एक आपकी फिल्म जो मौला जट थी उसको इंडिया में रिलीज़ नहीं करने दिया, आप लोगों ने पूरी कोशिश की और तकरीबन कामयाब भी हो चुके थे आप, तो 11th आर पे उन्होंने आपकी फिल्म उतार दी, उस पर कुछ कहेंगे जो भारत में आपके फैंस हैं जो फिल्म देखना चाह रहे थे? सॉरी फिर से बताएं एंड में क्या कहा? आपकी जो फिल्म थी, आपके जो फैंस भारत में हैं वो इस फिल्म को मौला जट को देखना चाह रहे थे, लेकिन इस फिल्म को वहाँ पर खबरें ये आई कि अप्रूव किया गया था भारतीय पंजाब के लिए, लेकिन उसको फिल्म को वहाँ से उतार दिया गया बाद में, प्रोटेस्ट हुए, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कहूँगा आप क्या मतलब व्हाट शुड आई से ऑन दैट? तो आप पे है, आप जो मर्जी कहें। वेल आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दैट इज अनफॉर्चुनेट फॉर देम, अगर वो देख नहीं सके, बट एंड दैट विल ऑलवेज बी एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि अगर कोई कुछ देखना चाहता है वहाँ पे, देन दे हैव टू वेट फॉर सम वे टू वॉच इट ऑनलाइन या दुबई जाके देखें, इससे ज़्यादा तो आई थिंक और कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत इज्जत और शोहरत और पैसा कमाया इस फिल्म से, जो प्रोड्यूसर्स हैं और हम सबको जो है वी गॉट रिकग्निशन आउट ऑफ मौला जट, एंड आई थिंक दैट इज़ आवर बिगेस्ट सक्सेस। एंड लाइक आई सेड बोनस पे बोनस हो रहा होता था तो ये छोटा सा बोनस एक रह गया, छोटा नहीं है, बड़ा बोनस है, क्योंकि जो जो इंडिया में फैंस हैं, जो जेन्युइन सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी प्यार दिखाते हैं एंड दे शो अ लॉट ऑफ सपोर्ट, सो I feel sad that they weren't able to see it. Thank you so much. So the name of my character in the movie is Fawad.